ठीक है, तो आज टीचर्स डे के मौके पे हम लोग बात करेंगे कि टीचर्स डे मनाया ही क्यों जाता है, क्या वजह है टीचर्स डे मनाने की, और टीचर्स इतना इम्पोर्टेंट कब से हो गए। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े पदों पे सर्व किए हैं, बड़े पावरफुल रहे हैं, लेकिन बाद में वो चाहते हैं कि हमको याद किया जाए एज ए टीचर। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनमें से एक कौन थे ये, थोड़ा बहुत देखो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होते हैं उसके काम, उसके आइडियाज, उसके विचार। ठीक है, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं इस दिन तो उनके कार्यों की वजह से, उनके कामों की वजह से। ठीक है, बाकी व्यक्ति तो बहुत पैदा हुए, मर गए, लेकिन याद रखे जाते हैं जो कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जिनके कुछ ऐसे विचार होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु में जन्मे। ठीक है, ज़्यादा हम उनके बर्थ डिटेल के बारे में नहीं बात करेंगे, हम उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। अब पहले उनका शुरुआत में साइंस पढ़ने का मन था, माता पिता टीचर। अब जिसके घर में माता पिता टीचर होते हैं ना, तो उसके घर में किताबें रखी होती हैं, बहुत सारी किताबें बच्चा देखता रहता है। पहले उनका बड़ा मूड था साइंस पढ़ने का, लेकिन एक दिन उन्होंने एक दर्शन की किताब पढ़ी, फिलॉसफी की। ठीक है, तो उनको लगा कि वाह ये तो अलग दुनिया है, इसमें तो गजब का इंटरेस्ट है। उन्होंने साइंस पढ़ने का जो मूड था वहाँ से त्याग दिया और बोले कि हम क्या पढ़ेंगे, दर्शन, फिलॉसफी पढ़ेंगे। अब वो एक क्रिश्चियन, अब उस टाइम पे अंग्रेज़ों का रूल था, क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की बहुत सारी स्कूल्स थी, क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, यूजी किया, पीजी किया, पीएचडी किया, और बाद में वो प्रोफेसर बन गए बहुत एंगेस्ट उम्र में, 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में वो कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मद्रास के ही एक कॉलेज में कई सालों तक काम किया, पढ़ाया, उसके बाद वो कलकत्ता विश्वविद्यालय चले गए, वहाँ के वाइस चांसलर रहे, फिर आपके बीएचयू में आ गए, वहाँ के वाइस चांसलर रहे। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप रूस के राजदूत बन जाओ, रूस में इंडिया के राजदूत बन जाओ। ठीक है, कुछ दिनों तक वो वहाँ रूस में इंडिया के राजदूत के रूप में कार्य किया। फिर नेहरू जी को लगा कि नहीं, इनको इंडिया बुला के उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए। नेहरू जी उनको इंडिया बुलाते हैं, उपराष्ट्रपति का पद देते हैं, और 10 सालों तक लगातार वो उपराष्ट्रपति। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। और जब राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल पूरा होता है 10 साल का, दो कार्यकाल, तो उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति बनते हैं, समझ रहे हो। अब उपराष्ट्रपति बनते हुए इन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी, जैसे उस टाइम पे समझ लो पावर स्ट्रगल चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर समझते हो, कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, एक अमेरिकन ध्रुव, एक रशियन ध्रुव। ठीक है, दोनों में आपस में लड़ाई चल रही थी, तो दोनों के साथ संबंधों को मेंटेन करना ये बड़ी बात थी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जाते हैं कहाँ, चाइना। चाइना का एक बहुत स्ट्रांग लीडर माओ त्से-तुंग उस टाइम पे, चाइना के, चलो चलो, उस टाइम पे चाइना के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अब ये इतने सहज थे, देखो जिस लीडर से आपने नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा, वैसे ही माओ त्से-तुंग, माओ जेदोंग, ये सब एक ख़तरनाक पर्सनालिटी रखने वाले लोग थे। तो ये माओ त्से-तुंग से जब मिलने जाते हैं तो ये माओ त्से-तुंग से मिलते तो हैं, लेकिन मिलने के बाद उसके गाल थपथपा देते हैं, समझ रहे हो। मतलब पता नहीं क्या, पता माओ त्से-तुंग इनको बहुत क्यूट लगता है क्या, जबकि वो बहुत ख़तरनाक व्यक्तित्व का आदमी था। ठीक है, लेकिन वो मिलते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल होता नहीं है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलना है, मिलता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, सारी चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं कि कैसे मिलेगा, कैसे बोलेगा, क्या बैठेगा, कैसे रहेगा। लेकिन इन्होंने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, ठीक है, और उसके गाल ऐसे छू देते हैं, थपथपाते हैं। तो चाइना के जितने ऑफिशियल्स थे, इंडिया के जितने ऑफिशियल्स थे, सब अवाक रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि ये तो प्रोटोकॉल में था ही नहीं। तो ये इसका मतलब है कि इतने सहज थे, फिलॉसफी का आदमी, दर्शन का आदमी बहुत सहज होता है, ठीक है, और वो बहुत डीप बातें करता है, बहुत डीप। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी सारी डिग्रियां जब हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं।
क्या मतलब होता है पीएचडी का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएचडी। चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हो, मैथ से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, फिलॉसफी से तो हो ही, आर्ट से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, किसी से भी हो, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी, पीएचडी। तो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे लेकिन सब जाके बाद में दर्शन ही हो जाना है, फिलॉसफी ही हो जाना है। तो दर्शन से ही सारी चीज़ें निकली हैं और दर्शन में ही सारी चीज़ें आके मिलती हैं। और इंडियन कल्चर को उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमोट किया, पूरी दुनिया में, कि भारतीय संस्कृति बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, अंग्रेज़ों ने बहुत बदनाम कर दिया था, ठीक है, बहुत तरह तरह के जोक बना दिए थे, तरह तरह के एक तरह से ऐसे बातें होती थी कि भारतीय संस्कृति अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया, बताया, बहुत सारी कहानियां हैं कि जैसे एक बार ये इंग्लैंड में थे, इनसे किसी अंग्रेज़ पत्रकार ने पूछा कि हमारे यहाँ देखिए हमारी रेस, हमारी एथनिसिटी कैसी है, सब एकदम गोरे लोग हैं, शानदार एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, और आप यहाँ देखिए कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई लंबा है। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही, मतलब मजाक में कहा कि जो गधे होते हैं ना सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन घोड़े अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो शांत हो गए, ठीक है। तो ऐसी इनकी बात पकड़ता थी। तो टीचर क्यों ज़रूरी होता है, वो बहुत लंबे समय तक टीचिंग किए। आज बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है। ये जैसी घटनाएं हो रही ना, कोलकाता वाली घटनाएं, इधर उधर सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर टीचर सही से हो जाए, टीचिंग और पेरेंटिंग, एक्चुअल में माँ बाप भी एक टीचर ही होते हैं, ठीक है, बोला भी जाता है कि पहला टीचर माँ ही होती है ना, तो अगर टीचिंग और पेरेंटिंग ठीक हो जाए तो ये सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन टीचरों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के उसको एक प्रोफेशन बना दिया है सिर्फ, इस वजह से समाज में ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर मान लो एक टीचर का जरूर अच्छा होना जरूरी है क्यों, अगर मान लो एक इंजीनियर बनता है कोई, ठीक है, इंजीनियर बुरा इंजीनियर है, पढ़ाई लिखाई की नहीं, इंजीनियर बन गया घूस दे के, डिग्री लेके, अब वो क्या बनाता है, मान लो सिविल इंजीनियर है, पुल बनाएगा, है ना, मान लो वो पुल बनाया, घटिया पुल बनाया, पुल टूट गई, कितने लोग मरेंगे, मान लो 2-4, 10, 100, 200 लोग मरेंगे, ठीक है। एक डॉक्टर बना, घटिया तरीके से पढ़ाई नहीं किया, किसी प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देके डॉक्टर बन गया, अब वो कितने लोगों को मारेगा, 100-200 लोगों को मारेगा अपने जीवन काल में, है ना। एक साइंटिस्ट बना, मान लो गलत तरीके से रिसर्च करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। लेकिन अगर एक टीचर बुरा बन गया तो वो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी उससे, क्योंकि वो अगली जनरेशन बना रहा है। इसलिए टीचर का अच्छा होना जरूरी है, समाज में डिस्टॉर्शन आएगा अगर टीचर सही नहीं होंगे तो। टीचर का प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन है। अमेरिकन या जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वहाँ टीचर और प्रोफेसर्स की है। अगर कोई टीचर आ गया है तो वहाँ का प्रेसिडेंट खड़ा हो जाएगा, राष्ट्रपति उसके सम्मान में, कि ही द नेशन मेकर, ये देश बनाने वाले लोग हैं, ये समाज बनाने वाले लोग हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि टीचर्स की समाज में एक तरह से उतनी, इंडियन सोसाइटी में कुछ को छोड़ दो, बाकी ज़्यादातर टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट रह नहीं गई, जबकि टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है समाज का, सोसाइटी का। बात समझ आ रही है? और आज अब देखो आज की दुनिया कैसे, वर्तमान टाइम पे इंटरनेट का ज़माना है, है ना। अब अगर कोई टीचर ये सोचे कि हम इंफॉर्मेशन और फैक्ट के बन पे टीचर बन जाएं, नहीं बन सकते। इन्फॉर्मेशन तो आपकी मोबाइल में सब है, सारे फैक्ट आपकी मोबाइल में है। तो समय समय के हिसाब से टीचिंग को इवॉल्व होना पड़ता है। बात समझ आ रही है? आज का टीचिंग का माहौल कैसा होना चाहिए, को अपने टीचिंग में टेक्नोलॉजी को यूज करे, वो टू वे कम्युनिकेशन हो, चलो चलो टू वे कम्युनिकेशन, सिंगल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए सिंगल वे, कि टीचर आया है और बस एक तरफ से बोले जा रहा है,
बच्चों का प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास में, बच्चे भी क्वेश्चन पूछें, बच्चे भी इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो आप लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग हर क्लास में इन्वॉल्व होगे, क्वेश्चन पूछोगे, डाउट पूछोगे, डिस्कशन करोगे, ये आज की समय की डिमांड है, ठीक है। ये नहीं कि बस आपके आके बैठोगे रामकथा सुनोगे कि सर तो जो बोल रहे हैं सुनना है बस चुपचाप, नहीं ऐसा नहीं करना है। इस क्लास में आपको प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, अपने दिमाग के जितने भी डाउट हैं सब पूछने हैं, जम के पूछने हैं। समाज में बहुत समस्याएं इस वजह से भी हैं कि लोग उस पर बात नहीं करते, तो ये जिम्मेदारी टीचर्स की हो जाती है कि जिन पे कॉमन मैन बात नहीं कर सकता, टीचर अपनी क्लास में बच्चों से बात करें उन मुद्दों पे, ठीक है, क्योंकि यही बच्चे बाहर जाएंगे बाद में, तो जब ये क्लास में बात करेंगे तो बाहर बात करेंगे। समस्याएं हैं ना बहुत सारी, लिंग भेद की समस्या है, लड़की लड़के के बीच भेदभाव की, जेंडर इक्वलिटी नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं, महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, अगर इन सब पे बात होने लगे, क्लासरूम्स में बात होने लगे, बहुत सारी बीमारियां हैं जिन पे बात नहीं होती, बहुत सारे टैबू सब्जेक्ट हैं, टैबू टॉपिक्स हैं जिन पे बात नहीं होती, तो इन पे सबसे अच्छी बात कर सकता है कौन? टीचर बच्चों के साथ। सबसे ज़रूरी है, पीछे से आइए उधर से, ठीक है। और आपको भी वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका छोड़ना है, टीचर को अपना फ्रेंड समझना है, ठीक है। टीचर की बच्चों के साथ दोस्ती होनी चाहिए कि बच्चे डरे नहीं टीचर से पुराने तरीके से कि टीचर आने बच्चे डर के भाग गए, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी सारी बातें टीचर के साथ कह सकें खुल के। समाज में बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे बच्चे तो अपने माँ बाप से अपने मन की बातें नहीं कह पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने दिमाग में ही चलता रहता है और वो बाद में किसी गलत संगत में आ जाते हैं, गलत समस्या में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात अपनी कह नहीं पाए। अगर उनके पास कुछ दो चार लोग ऐसे हों जिनके पास जाके वो अपनी बात कह सके तो आधी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, और टीचर उनमें से एक है कि आप टीचर आपको बहुत कुछ गाइड कर सकता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से भी संबंधित, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका है आज एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, उसने जो सीखा है, उसने जो गलतियाँ की थी वो गलती आप ना करो, वो बताना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स का भी एक लंबा जर्नी होता है लाइफ का, बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है और फिर बच्चों को सारा एक्सपीरियंस बताता है वो। तो टीचर्स एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ाएं, आपको समझाएं, जिससे या बच्चों आपको समझ में आ जाए, कहानियों के माध्यम से समझाएं, स्टोरी टेलिंग, कि समझ लो कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर। अगर कोई सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है तो समझ लो उस सब्जेक्ट का टीचर सही नहीं है जो आपको पढ़ा रहा है, वरना कोई सब्जेक्ट कठिन है ही नहीं, ठीक है। तो ये वर्तमान समय की मांग है, जैसे आप सब्जेक्ट जो पढ़ते हो ये नहीं कि बस आप यही ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते रहो, आप AI के बारे में जानो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानो, रोबोटिक्स के बारे में जानो, आप कंप्यूटिंग के बारे में जानो, आप ये सारी चीज़ें आपको इसी क्लासेस में यहीं पे पढ़ाई जाएंगी। आपको लगेगा हम तो पढ़ने पॉलिटिकल साइंस आए हैं, लेकिन नहीं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने नहीं आए, सिर्फ आपको यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराई जाएगी, और यही समय की डिमांड है। इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, दैट द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, उसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। आज समय की मांग है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इससे कोर्स कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स से कोर्स कर रहे हैं, PG कर रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन, नीति निर्माण, नीति निर्माता कैसे बने, पॉलिसी कैसे बनाएं, ये वर्तमान समय की मांग है। समाज में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये बच्चों के अंदर ये भावना, ये एनालिटिकल प्रोसेस डेवलप करना, ये वर्तमान समय की मांग है। ये नहीं कि बस कॉलेज आए हैं, चार क्वेश्चन रट लिए, परीक्षा में पास हो गए, बस हो गया, BA खत्म। क्या करोगे ऐसा BA करके? ऐसा BA करके किसी काम का नहीं रह पाओगे।
अगर आपको जो पढ़ रहे हो ना उसमें आप अपनी एक अप्रोच डेवलप करो, एनालिटिकल अप्रोच। बहुत सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट पढ़ के आप बहुत कई सारी चीज़ें सीख जाओगे, ये समय की डिमांड है। हर चीज़ को इवॉल्व होना होता है समय के साथ, ठीक है। जो चीज़ें इवॉल्व नहीं होती वो पीछे रह जाती हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन भी क्या होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। आज का टाइम है इंटरेक्टिव लर्निंग का। अब ये बोर्ड नहीं होना चाहिए, आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड होने चाहिए। बहुत जल्द आपकी क्लासेस चलेंगी, जहाँ क्या होगा आपको पढ़ने के साथ साथ दिखाया भी जा सके। जैसे मान लो हमको आपको गरीबी पढ़ानी है, अब गरीबी पढ़ा के आप गरीबी समझ नहीं पाओगे। इससे अच्छा होगा कि हम आपको गरीबी भी एक मूवी दिखा दें, या कि कभी आपको ले चल के गरीब एरिया को विजिट करा दें, स्लम एरियाज को, आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। महिलाओं की कंडीशन के बारे में बतानी है, मैं खूब बता दूँ आपको ऐसा वैसा, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे कोई मूवी दिखा दूँ, या कि कोई विलेज एरिया विजिट करा दूँ जहाँ महिलाओं की कंडीशन अत्यंत दयनीय है। आप तो बहुत सारे लोग वहीं उसी एरिया से आते होंगे, समझते भी होंगे। तो ये वर्तमान समय की डिमांड है कि एक इंटरेक्टिव लर्निंग हो, इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। बच्चे सिर्फ क्लास तक सीमित ना रहें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इसलिए टीचिंग ज़रूरी है और टीचर का अच्छा होना ज़रूरी है, और फिर आप लोगों का भी प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए अपने टीचर्स के प्रति, कि जो आपके साथ इस तरीके से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपका भी रिस्पॉन्स उसी तरीके से हो। ये नहीं कि आप बस, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तो न्यूट्रल हो, आप ये सोचो कि इनका काम है कर रहे हैं, इनका काम नहीं हो, काम से ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसी लेवल पे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग जब पहली क्लास में हम मिले थे तो बात कर रहे थे मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है ना। कैसे बनोगे आप एक अच्छे टीचर, ये शुरुआत से ही आपके माइंड में एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम एक अच्छा टीचर कैसे बने, ठीक है। और वो हर दिन की लर्निंग है, डे बाई डे की लर्निंग। एक दिन में आप चाहो कि हम अच्छा टीचर बन जाएं, एक दिन में इट्स नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि एक दिन में कोई अच्छा बन जाए। ये एक डे बाई डे का एक तरह से पार्टिसिपेशन है कि आप हर दिन का, जैसे आज जो हो ना, आज आप जहां हो अपने पूर्व कर्मों की वजह से हो, आपने पास्ट में कैसा काम किया था उसकी वजह से आज वर्तमान में ऐसी जगह पे हो, और आज आप कैसा काम कर रहे हो इसी की वजह से फ्यूचर में आप कैसे होगे ये डिसाइड करता है। तो ये समझ लो कि अगर आप पास्ट में अच्छा नहीं किया, आपको लग रहा है कि मैं सही कंडीशन में नहीं हूँ, तो आपको अब वर्तमान में अच्छे से काम करना है ताकि आपका फ्यूचर सही कंडीशन में हो, कि आप सही जगह पे हो, आप संतुष्ट हो कि हाँ मैंने ठीक किया। बात समझ आ रही है? ये ना हो कि पछतावा अभी भी हो रहा है, पछतावा बाद में भी होता रहे, तो पछतावा नहीं होना चाहिए। और ये जो टाइम है ना आपका, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। यही 3 साल है आपके पास, फर्स्ट ईयर में हो, बच्चों को राइट काइंड ऑफ गाइडेंस मिल जाना इस टाइम पे, सबसे ज़रूरी बात वही है। बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलता, करना क्या है, कैसे करना है, जीवन में जाना कहाँ है। अगर इस टाइम पे आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो समझ लो आपका जो जहाज़ है वो फ्लाई कर जाएगा, वरना अगर नहीं मिला तो क्रैश कर जाएगा। आप एक रनवे पे हो, दिस इज़ योर रनवे 3 ईयर्स, और इन 3 सालों में आप कैसी प्रिपरेशन करते हो। तो क्लास में आपको ध्यान देना ही है, क्लास के बाहर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, चाहे गेम्स हो, चाहे कल्चरल इवेंट्स हो, हर चीज़ में। ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं। और क्लास में रेगुलर रहना है, रेगुलर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और अपनी चीज़ों को कहना है, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, क्लास में कहो, जहाँ से हो सके उसको पूरा करो। यही तो सीखते हो आप, ये समझ लीजिए आपके लिए नर्सरी की तरह है, ठीक है। यहाँ आपको हर चीज़ सीखनी है, पॉलिटिक्स तो सीखनी ही है, ठीक है, पॉलिटिक्स इज मस्ट। बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स का गलत इमेज फैला दिया है कि पॉलिटिक्स तो बुरी चीज़ है। नो, ऐसी बातें वो करते हैं
जो पॉलिटिक्स को नहीं जानते। कहते हैं ना कि इनके साथ पॉलिटिक्स हो गई, जब उनके साथ किसी का कुछ बुरा हो जाता है तो कह देते हैं इनके साथ क्या हो गई, पॉलिटिक्स हो गई। उनके साथ पॉलिटिक्स हो इसीलिए गई क्योंकि वो पॉलिटिक्स जानते नहीं हैं, अगर वो जानते होते तो उनके साथ ना होती। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है कि जीवन में आप कुछ भी करो, कोई आपको मूर्ख तो बना ही नहीं सकता, कोई आपको किसी भी तरीके से। कि बहुत सारे बच्चों का इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अगर आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप एक डिप्लोमेट की तरह होगे। डिप्लोमेट कैसे काम करता है, वहाँ पे कोई इमोशंस और कोई आस्था नहीं होती, बात होती है फैक्ट्स पे, बात होती है इंटरेस्ट पे, कि आपके क्या इंटरेस्ट है या उसमें क्या फैक्ट्स है, न्यूट्रल तरीके से। ये क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होनी है, इन्हीं को बोलते हैं OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो हर बच्चा ऑफिसर है अपने आप पे, क्यों कुछ ही ऑफिसर हो, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो ये क्लास आपको उस क्वालिटीज़ को डेवलप करने में मदद करेगी, ठीक है। यहाँ वो पुराना घिसा पिटा ट्रेडिशनल तरीका नहीं चलेगा, आप वो चीज़ें आप सीखोगे जो आज इंडिया में बैठा हुआ प्रीमियर इंस्टीट्यूट का बच्चा सीख रहा है, किसी IITs में, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, किसी अच्छे बड़े कॉलेज में जहाँ की फीसें लाखों में, लेकिन आप वहाँ भले नहीं हो, सीखोगे वही सब चीज़ें, ठीक है, ये गारंटी है। तो आप, लेकिन आप लोगों को बस उस लेवल का कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट दिखाने की ज़रूरत है कि आप अपनी तरफ से कमिटेड हो कि हाँ हमको सीखना है, हमको इन्वॉल्व होना है। पैसिव मोड में मत आना, एक्टिव मोड में आना है। बात समझ आ रही है। टीचर्स का एक लंबा इतिहास रहा है, चाणक्य का नाम समझे सुना है, तो जब टीचर को सही बच्चे मिल जाते हैं ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे शाहजहां का नाम सुना है, कौन था शाहजहां के बच्चे का नाम क्या था, हाँ औरंगजेब का नाम सुना है, जहांगीर का नाम सुना है। अब देखो क्या हुआ, एक बार शाहजहां को, अब देखो पहले क्या होता था कि जब सत्ता की प्राप्ति होती थी ना तो उसमें अपने जो सत्ता पे, जो पावर पे रहता था उसको मारा जाता था, उसको हटा दिया जाता था, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा अशोक का नाम सुना है, सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था। अब 99 उसके सगे भाई नहीं थे, क्योंकि एक ही माँ के संतान नहीं थे, मतलब चचेरे ममेरे फुफेरे सब मिला के उसके सब भाई थे, सब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने 99 भाइयों को मारा अपने, तब सत्ता की प्राप्ति हुई। ऐसे ही औरंगजेब ने जब अपने पिता को गद्दी से हटाया, शाहजहां को, ठीक है, मार दिया जाता था ज़्यादातर, लेकिन उसने जेल में डाल दिया अपने पिता को और बोला कि चलो मैं आपको मारूंगा नहीं, आप बताओ आपको क्या चाहिए, बस आप जेल में पड़े रहो। तो उसने कहा कि, उसने ये पूछता था कि आप मेरे पिताजी हो तो खाने में क्या चाहिए और आपको इंटरटेनमेंट के लिए क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे खाने के लिए चना दे दो और पढ़ाने के लिए बच्चे दे दो। तो औरंगजेब ने सबसे लंबे समय तक रूल किया, समझ रहे हो, एक लंबा रूल, बहुत खतरनाक शासक था। उसने कहा कि चना तो दे दूंगा लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि कल क्या पता उसी बच्चों से आप फौज बना दो और वही बच्चे मेरे खिलाफ विद्रोह कर दें, समझ रहे हो। तो अगर एक सही टीचर को बच्चे मिल गए तो कुछ भी कर सकते हैं वो, कुछ भी। चाणक्य ने क्या किया, एक आदमी, एक बच्चा पकड़ा और उससे पूरा साम्राज्य बदल दिया, समझ रहे हो। तो बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है, बच्चों का पोटेंशियल ख़त्म कब होता है, जब उसको अच्छे टीचर नहीं मिलते। बच्चा बेचारा इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है कि क्या करें सर, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, ये करें कि वो करें, इसी चक्कर में उसका एनर्जी ख़त्म, क्योंकि एनर्जी का एक टाइम होता है, ठीक है।
जैसे अब आपके माँ बाप माता पिता को कोई कहे कि आप बड़े क्रांतिकारी हो जाओ, ये बदल दो, दुनिया बदल दो, वो कहेंगे जायद हमसे ना हो पाई अब, ठीक है, जौन होना था हो गया। तो एक टाइम होता है, उस टाइम पे आप लोग हो, अगर इस टाइम पे आपको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस मिल गया तो आप दुनिया बदल सकते हो, सच में आप एकदम कुछ भी कर सकते हो, बहुत एनर्जी आपके पास। लेकिन समस्या यही है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता, ज़्यादातर लोग बस भटकाव में गुजरते हैं, भटकाव में भटक रहे हैं जीवन में, ये बड़ी समस्या है। तो भटकाव जितना कम होगा लक्ष्य उतना आसानी से अचीव होगा, और टीचर का यह काम यही होता है कि भटकाव को कम करे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो इस क्लास के लिए, अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, ठीक है, यही एनर्जी होनी चाहिए। खा पी के आते हो ना सुबह? खाना फिर खा पी के आना है, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट लंच लेके खा के आना है प्रॉपर एनर्जी के साथ, वरना क्लास में आके सोओगे। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ क्लास में उनको नींद आ रही है, मुंह फाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी नींद लो, अच्छा ब्रेकफास्ट लो और अच्छी एनर्जी के साथ आओ, तभी आप अच्छे से सीखोगे, वरना समय बर्बाद होगा, ठीक है। ऐसा कुछ करना नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना है, समय को यूटिलाइज करना है, ठीक है। आपको जाना है कहीं, कुछ प्रोग्राम है? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू।